And this is our motherly nature. Hey everybody, welcome back to my channel. This is Bookkada Girl back again with another video. And good morning from Pali. Actually, ye plan na kuch अनप्लान्ड ही समझो आप, बिकॉज प्लान कुछ और ही था लेकिन कुछ और ही हो गया, क्योंकि बारिश जो है वो इतनी तेज थी, इतनी गंदी गिरी थी रात भर वो भी, इसलिए हमने सोचा कि चलो हमारा जो पहले का प्लान था, एक्चुअली हमारा जो पहले का प्लान था वो ये था कि हम जाने वाले थे कैंपिंग, खुद से सब कुछ करने वाले थे, खुद से ही खाना बनाने वाले थे, बट बारिश की वजह से सब प्लान वो फ्लॉप हो गया। इसलिए हमने बैकअप प्लान बना लिया पाली के लिए, जहाँ पे हमने ये हमारा जो फार्म हाउस है वो बुक किया, और यहाँ आना सच में वर्थ रहा है। एक्चुअली हम कल रात को ही आ गए थे, बट अंधेरा हो गया था एक्चुअली, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया, मैंने सोचा चलो सुबह ही शूट कर लेते हैं। तो वेलकम टू पाली एवरीवन, और आप देख सकते हो क्या नज़ारे हैं यहाँ के सुबह सुबह। वहाँ पे जो माउंटेन है ना, वहाँ पे यार इतना सुपर फॉग था कि क्या बताऊँ। हाँ मतलब मैं सोई थी, फ्रेंड्स लोग ने उसका वीडियो निकाला था तो उन्होंने दिखाया था, मैं शायद कल देखूँगी। वेल अभी हम जा रहे हैं मार्केट के लिए, घर में ही कुछ कुक करने वाले हैं इसलिए, तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ हमारे साथ मार्केट, पाली का मार्केट, लेट्स गो। हाँ छोटा था ना सपन, ये थी हमारी शॉपिंग अच्छी तरीके से हो गई है। अभी थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ काम रहेगा तो वो कर लेंगे, उसके बाद हम प्रस्थान करेंगे किचन के लिए, क्योंकि आज हम अपने हाथों से बनाने वाले हैं फिश, वो सूखी मच्छी रहती है ना वो बनाएंगे, उसे मराठी में जवड़ा कहते हैं, और रात को ना धमाल होने वाली है, वो आपको रात को ही पता चलेगा। फिलहाल कुछ काम रहेगा तो वो मैं कर लेती हूँ, आपको मिलती हूँ सीधा किचन में। Later. So now we are heading towards waterfall, or hey Kaka, he is guiding us. और ऐसे गांव से रास्ता है ये waterfall के लिए, जो सिर्फ यहाँ के locals को ही पता रहेगा। Yes, मज़ा आएगा। बस थोड़ी देर है, वहाँ पे हम फोटो वगैरह खींचेंगे और जल्दी से निकलेंगे, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 5, शाम होने को आई है और अंधेरा होने से पहले यहाँ से हमें फिर से फार्म हाउस की तरफ आना है। और यार क्या ग्रीनरी है बॉस यहाँ पे, और यहाँ पे भी बहुत बारिश हुई थी इसलिए झाड़ियाँ देखो,
मे बी हवा की वजह से ये पूरी ऐसी हुई होगी, या बैल या कुछ यहाँ पे आएंगे आए होंगे मे बी, तो उनकी वजह से शायद. When I close my eyes, I see your face. A memory that doesn't fade away. I wish I could remove you from. और हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं. आप पानी की आवाज़ सुन सकते हो. और थैंक गॉड हम काका को साथ में लेके आए, नहीं तो हम ना सच में गुम हो जाते. और इस बार बारिश जो है वो ख़तरनाक आई है, तो पानी जो रहेगा ना बॉस फुल फोर्स में रहेगा. मैं आपको दिखा देती हूँ. ओ माय गॉश. एंड दिस इज आवर मदर मी नेचर. So we just reached our farmhouse. अभी बजे हैं 7:30 और मैंने कहा था कि आज शाम को बहुत माहौल होने वाला है, तो आ चलते हम किचन में और देखते हैं क्या पक रहा है. बाय द वे हमारे साथ है काका जो कुक है, यहाँ पे कुकिंग करने के लिए आए हैं, तो हम थोड़ी बात उनसे कर लेते हैं. काका तर हे आमचे काका, आमचे कुक कालपण ह्यांनीच मस्त जेवण बनवलेलं, आणि आज ह्यांच्याचकडून आपण ऐकूया की आजचा बेत काय. काका आपला आजचा बेत काय? वा मस्त, इकडे तंदुरी चिकन मॅरिनेट होत आहे आणि करी असणार आहे, चिकन करी कोळंबी आणि ही कोळंबी. म्हणजे आज तर माहोल आहे नुसता, बाहेर बार्बेक्यू असणार आहे, मजा येणार आहे, खूप मजा येणार आहे. तर अशी आमची तयारी चालू आहे सगळी इकडे किचनमध्ये, नुसतं चिकन आणि नुसती कोळंबी. आणि हे आमचे शेफ काका. जे खूप मस्त आहे की आज आम्हाला बनवून येणार आहेत तंदुरी. आता चिकन आपण मॅरिनेट करून घेऊया. हे एक तास ठेवणार लागेल ना आपल्याला? अर्धा तास ठेवा तरी भरपूर होतं. अच्छा आगळ असते म्हणून. आणि आपण ते चिकनचा रस्सा करणार आहे, तो कसा करणार आहे? म्हणजे खोबरं टाकून करणार ना तुम्ही? खोबरं टाकून करू आपण. थोडा खोबरा हे करू, बारीक करू आणि थोडा तव्यामध्ये कांदा आणि तो भाजून टाकू आणि मग मिक्सर लावून बारीक करून टाकू. ओके चालेल. तुम्ही नाही खात का? नाही नाही. अच्छा मग फक्त तुम्ही बनवू शकता? मी बनवतो. अच्छा मग घरी पण कोण नाही खात का? घरी मुलं खातात. अच्छा अच्छा मुलं खात. मग त्यांना पण तुम्ही म्हणून देतात? मी म्हणून. अरे वा. Hey guys, good morning. This is day 2 in Pali. और कल रात को इतना ज़्यादा हमने खा लिया कि मुझे कब नींद लग गई और मेरी आँख कब बंद हो गई मुझे पता ही नहीं चला. Well, आज का हमारा यहाँ पे आखिरी दिन है, तो अभी हमें करना है चेकआउट. अभी बजे हैं 9, तो हमारा 11 का चेकआउट है, तो तब तक हमारे पास 2 घंटे हैं. तो मैं आपको ड्रोन शॉट्स दिखाने वाली हूँ, तो आप वो मज़े से देख लीजिएगा. मैं आपको फिर से मिलती हूँ. When I close my eyes, I see your face. A
memory that doesn't fade away. I wish I could remove you from my mind. I wish I could remove you from my mind. And now you say, oh, I can't succeed. You're here to stay. I've tried all ways. I didn't mean to feel the way we are not around anywhere. I tried to be what I feel. तो ये है हमारे फार्म हाउस की खेती जो इस बारिश की वजह से पूरी ख़राब हो चुकी है. और आई होप आपको वो ड्रोन शॉट्स पसंद आए हो. अगर पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा. और यहाँ के जो नज़ारे हैं वो कुछ ऐसे हैं कमाल के. इतना पीसफुल है ना यहाँ पे कि क्या बताए. और आप जब तक ड्रोन शॉट्स देख रहे थे हम ज़रा रेडी हो लिए. वेल तो अभी हमें करना है चेकआउट. अभी बजे है 11:30 और सबकी तैयारी होकर लेट हो गया एक्चुअली. तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे. आई होप आपको ये नज़ारे पसंद आए हो. है ना खूबसूरत. और इतनी शांति है ना यहाँ पे. और रात को ना आज वजह तो कुछ दिखता नहीं है, पूरा अंधेरा रहता है. बट इतनी अच्छी हवा चलती है ना, ठंडी ठंडी सी, कमाल. और हम यहाँ पे बैठ के चिल मार रहे थे सब लोग. बहुत मज़ा आया. और अच्छी बात क्या है पता है इस जगह की, इतना स्पेशियस है. अंदर ना 3 बेडरूम्स है, एक हॉल है, किचन है जहाँ पे हमने कुकिंग की थी. और हॉल में हमने डिनर, वहाँ पे डाइनिंग टेबल भी है और चिल मारने के लिए वहाँ पे सोफ़ा भी है जहाँ पे आप बैठ के चिल मार सकते हो. हमने वहाँ पे गेम्स खेले, ऊनो खेला रात को. और जो बेडरूम्स थे ना वो भी काफ़ी स्पेशियस थे. और हमने 2 दिनों के लिए ये फार्म हाउस जो है बुक किया था. अब इससे पहले कि और देर हो हम यहाँ से निकलते हैं, मुझे एक मेल भी करना है. तो ओ माय गॉश तितलिया, तो मुझे मेल भी करना है. तो हम निकलते हैं यहाँ से, रास्ते में रुकेंगे, चाय पानी पियेंगे, उसके बाद मैं सीधा आपको मिलती हूँ जहाँ पर हम लेंगे लंच ब्रेक. चार घंटे की राइड के बाद फाइनली अभी जाके हमने कुछ खाया है. और अभी ऑलमोस्ट खाना हो गया हमारा, आपने देख लिया होगा. वेल अभी बहुत टायर्ड हूँ मैं. तो इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. टिल देन बाय बाय.